हेलो दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर और आज हम कंटिन्यू करेंगे बस्तक मांगा के फैंटेसिया इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो की शुरुआत में कास्का अपनी ड्रीम से उठती ही है और साथ ही वहां श्रीके और फानेसी भी इसी ड्रीम से बाहर आ जाते हैं मिस्ट्रेस दिनास इस जर्नी के बाद उन सभी का वेलकम करती है वो बताती है की उन्हें सोए हुए एक दिन ही हुआ है जो की ड्रीम में उनके लिए महीनों या साल के लगभग हुआ होगा दोनों का ध्यान अब कास्का की तरफ जाता है जो अभी भी गुमसुम ऐसी दिख रही है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है की कास्का रिकवर हुई भी या नहीं की तभी कास्का उनसे कहती है इलेन जिसने सब कुछ देखा है वो उसके अंदर है और वो फाइनली उन्हें उनके नाम से पहचानते हुए ग्रीट करते हुए पूरी जर्नी में उसका ख्याल रखने को थैंक्स कहती है कास्क को होश में देख दोनों ही हैरत में हैं जिस पर कास्क कहती है कि वो उन्हें उसके नाम से बुलाए जैसा कि वो उन्हें उनके नाम से पुकार रही है श्री के अभी भी कास्का में बदलाव देख शौक में है जो इलेन से पूरी तरह से बदल चुकी है जिस इलेन को वो जानती थी और कास्का जो गर्स की कंपेनियन वॉरियर है दोनों ही दो अलग अलग लोग हैं श्रीके उसकी आखिरी मेमोरी के बारे में पूछती है जिस पर कास्का बताती है कि वो अभी गहरी नींद से उठी है उसने पूरी जर्नी को इलेन के अंदर से देखा है उसके कोई जज्बात नहीं थे वो बस किसी अंधेरे से सब कुछ देख रही थी वो सभी उसके सामने थे जैसे कि किसी सपने के किरदार थे और सोने से पहले उसे बस यही याद है कि वो लोग ग्रिफित को बचाने के लिए टॉवर ऑफ रिबर्थ में गए थे और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है जिस पर श्रीके और फानसी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख उसके यादों के बारे में सोचते हैं श्रीके कास्का को और ज्यादा जोर ना देने के लिए कहती है कास्का से गर्स के बारे में पूछती है जिस पर कास्का मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे इस तरह से देख श्रीके को लगता है कि उसने अचानक ही कुछ गलत सवाल पूछ लिया हो और अब दनान बीच में इंटरवीन करती है चूँ वो अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव को पार कर लिया है उसे उसके मिलन के लिए दनान उसे छोटा सा गिफ्ट देती है आफ्टरऑल सफर की उदासी इतनी भी रोमांटिक नहीं होगी दनान कास्का का पूरा गेटअप ही चेंज कर देती है अपने जादू से और उसका चेहरा बाल शरीर पूरी तरह से खिल जाता है कास्का के इस बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों ही चकित हो जाते हैं लेकिन कास्का हमेशा से ही वॉर्ड रही है और इस तरह का ड्रेस उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है लेकिन दनान तब भी इंसिस्ट करती है दनान अब उसे जाने को कहती है क्यूँकी उन्होंने ब्लैक वैन को टेलीपैथी के थ्रू कास्का के बारे में बता दिया है जो जल्द ही आता ही होगा ट्री से बाहर निकलते ही हर कदम के साथ कास्का को गर्स की यादें आ रही है जिसकी बदौलत वो आज जो है वो है और तब भी जब वो इलेन हुआ करती थी वो सता के नीचे से गर्स को उसे बचाते हुए देखा करती थी जो अब उसके मन में ही कहीं है जो उसे कहना चाहती है कि वो उसे फिर देखना चाहती है और अब वो पल आ ही गया जब गर्स की मुलाकात फिर से रियल कास्का से होने वाली है जो उसकी तरफ ही बड़ा चला आ रहा है और इस पल का साक्षी बनने वहाँ श्रीके और इवेरा भी आ जाते हैं गर्स के करीब पहुँचते ही जैसे ही कास्का उसे देखती है उसके सामने अचानक ही इक्लिप्स इवेंट के मंजर आ जाते हैं जिसमे वो गर्स का चेहरा देख नहीं पा रही है और तो और टॉर ऑफ रिबर्थ की गिरफित का भी जिसे साल भर बुरी तरह से टॉर्चर कर उसकी ये हालत कर दी गई थी ये यादें कास्का के लिए असहनीय हो जाती हैं। इन सब ऐसी दूर इस आइलैंड से दूर कुछ लोग हैं जिन्होंने मानव लाशों को लटका रखा है और तो और महिलाओं की चमड़ी को निकाल झंडा बना रखा है जिनका भोजन ही मानव शरीर है ये है जोटनाथ जो डार्क वर्ल्ड का हिस्सा है और उनका एक दल युद्ध के लिए तैयार है जिनका सामना कर रहा है नया बैंड ऑफ हॉक जिसका फ्रंट लाइन में इमोडल और एपोस्टल है जो ग्रिफिथ के एक इशारे पर ही जोटनाथ पर हमला शुरू कर देते हैं जोटनार की टुकड़ी को बढ़ता देख टीले के ऊपर से ही उन पर तोप डाल दी जाते हैं जिसके तेज कैनन बॉल से कुछ जोटनार के परगच्चे उड़ जाते हैं इससे पहले कि वो संभल पाते तभी सामने से वॉर डिमन की फ्रंट लाइन आकर उनके शरीर से रूह उखाड़ देती है कुछ जोटनार वॉर वॉर्डन को टक्कर देने की कोशिश करते ही है तभी सामने से हॉक मिडलैंड की आर्मी को लेकर हमला करता है हॉक तुरंत ही एक जोटनार को मार डालता है और अब वहाँ पर ह्यूमन वर्सेज जोटनार की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमे लेमान भी हिस्सा ले रहे हैं और तोड़ म्यूल भी है तभी सोनिया म्यूल को एक इमेज है और वो देखता है कि उसकी तरफ पत्थरों को फेंका गया है जिससे वो एन मौके पर खुद को बचा लेता है ये पत्थर पास ही टीले से जोटनार उनकी तरफ फेंक रहे हैं जिन्हें तोप से उड़ा दिया जाता है दरअसल लड़ाई से दूर एक टीले से सोनिया पूरे युद्ध को देख रही है और वो ग्रफिट को जोटना के राजा की लोकेशन टेलीपैथी से बताती है हॉक को लोकेशन का पता चलते ही वो तुरंत ही लड़ाई के बीच से होते हुए उस दिशा में बढ़ता है वही थोड़ी दूर ही जोटना का राजा अपने सिंहासन पर बैठा है जो देखने में ही खतरनाक लग रहा है और अपने दम पर उन्होंने को भी अपना पालतू बनाकर रखा हुआ है तभी वो देखते हैं कि लड़ाई के मैदान के बीच ऐसी हॉक उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उन्हें रोकने के लिए किसी को भेजने का इशारा करता है तभी कुछ जोटा बड़ी मेहनत से रस्सी से बांध कर वहाँ हाइड्रा को ले आते हैं जिन्हें भी उन्होंने ऐसे ही समय के लिए पकड़ कर रखा है हाइड्रा को देखते ही जोड़ हॉक के ऊपर से कूद कर हॉक के सामने आकर हाइड्रा को कन्वर्ट करने के लिए बढ़ता ही है और उसके पास पहुँचते ही एक ही वार ऐसी हाइड्रा का सर उखाड़ देता है लेकिन ये हाइड्रा है जिसका एक सर कटते ही दूसरा सिर उसकी जगह ले लेता है और अब वहाँ पर जोड़ और हाइड्रा की खोखा लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमे जोड़ हाइड्रा के फिर से दो सिर उखाड़ देता है और तभी कहीं से तीर हाइड्रा के सिर पर लगते हैं जो उसके सिर को अंदर से ही भेज देते हैं ये तीर दूर एक टीले से इरविन ने चलाया है और अब लड़ाई में ग्रनबिल्ड की एंट्री होती है जो वहाँ जॉड की मदद के लिए आया है और आते ही आग की फोका करता है जो जॉट के हटते ही हाइड्रा को वहाँ जला देती है ये पूरी लड़ाई वहाँ राजा भी देख रहा है और तभी वो देखता है की ग्रनबिल्ड के ऊपर से हॉक भागते हुए आता है जो घोड़े से उछल कर जोड़नार के राजा की आंख में तलवार घुसा कर उसे वहीं मार देता है और जोड़नार के राजा कुछ करने से पहले ही ढेर हो जाता है ये पूरा वहाँ जोड़ और ग्रंटबिल भी देख रहे हैं जोड़ और ग्रणबिल के धहाड़ते ही वहाँ से बाकी जोड़नार भाग जाते हैं हॉक तुरंत ही सोनिया को टेलीपैथी के जरिए जोड़नार के राजा की मौत की खबर देते हुए उसे ये इमेज युद्ध में सभी को दिखाने को कहता है जिससे वहाँ सभी जोड़नार के मन में डर समा जाता है लेबान और म्यूल को भी पता चलता है कि हॉक ने पर्सनली जोड़नार के राजा को मार दिया है और अब हॉक सभी जोड़नार को मार का हुक्म देता है जिसे सभी फौज घेर कर बंदी बना लेते हैं और इन जुटनार को वॉर डिमस के मुंह का निवाला बना दिया जाता है जिसके बाद अब उनकी लाशें वही पड़ी हुई है हाउस इस युद्ध में मारे गए सभी सैनिकों की आत्मा को इकट्ठा करता है वापस फाल्कोनिया ले जाने के लिए और ये दृश्य हमेशा की तरह सभी को अलौकिक लग रहा है लेबान को ये सही लगता है युद्ध में चाहे जो भी हो आखिरकार वो अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं फाल्कोनिया के इस हिस्से में मोस्टा का आतंक को खत्म कर दिया गया है और उन्होंने दोबारा अपने राज्य के इस हिस्से पर काबू पा लिया है लेकिन लेबान को अभी भी एक दिक्कत दिखती है वो चाहे इस जगह को बेस क्यों न बना दे मॉस्टर आते ही रहेंगे जिनका सामना सिर्फ डिमन ही कर सकते हैं लेकिन उनकी भी तादाद कम है तभी सोनिया की तरफ भागते हुए आते हुए आते उसके गले लग जाती है वहां है दरअसल उसने कुछ ढूंढ लिया जो एक तरह का टच स्टोन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मैदान से कुछ ही दूर उन्हें एक टिले पर कुछ बड़े बड़े पत्थर फैले हुए दिखते हैं जो किसी एंशंट चीज का मलबा है हॉक तुरंत ही ग्रेनबिल्ड को उसे फिर से अरेंज करने को कहता है जो ग्रेनबिल्ड बड़े राम से उन पत्थरों को अरेंज करने लगता है लेबान गल्ट को ये करता देख शर्त लगाकर कह सकता है कि वो पूरा किला ही खुद बना सकता है वही म्यूल भी लेबान से इम्प्रेस्ड है जिसके साथ वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता है पत्थरों के अरेंज होते ही हॉक उन्हें पिलर के नीचे ऐसी गुजरने को कहता है जो एक तरह का कॉरिडोर है हॉक को इस कॉरिडोर में कुछ दिख रहा है जिसे वो यूज कर सकता है और वो सभी को दो की लाइन बनाकर कर यहाँ ऐसी सब कुछ इकट्ठा कर निकलने को कहता है साथ ही वॉडिम्स को अपने इंसानी रूप में आकर यहाँ से गुजरने का हुक्म देता है वरना वो भी फंस सकते हैं और अब ग्रिफे सभी को लीड करते हुए आगे बढ़ने का आदेश देता है जो सभी उन पिलर के कॉरिडोर से होकर गुजर रहे हैं लेबान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या स्पेशलिटी है कि तभी सोनिया उन्हें रास्ते में ध्यान रखने को कहती है और अब उनके सामने ही कॉरिडोर घूमने लगता है और वो सभी इस घूमते कॉरिडोर के जरिए हवा में आ जाते हैं जहाँ वो आकाश में उड़ रहे हैं दोनों को ही अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता की वो लोग आकाश में घोड़े दौड़ा रहे हैं दरअसल ये है वर्ल्ड ट्री जिसकी अदृश्य शाखाओं से होते हुए वो सीधे फालकोनिया में वर्ल्ड ट्री के नीचे उतरते हैं और ये एक तरह का शॉर्टकट है फाल्कोनिया तक वापस आने का फाल्कोनिया पर पहुंचने पर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो पलक छपकते ही यहाँ वापस लौट आए जोटना का कहर का अंत कर हॉक ने एक और चमत्कार दिखाया है लेबान भी कुशन इन्वेशन के बाद से अनोखी चीज का आदि हो गया है लेकिन उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन वो आकाश में उड़ सकेगा और हॉक के साथ चलते उन्हें सरप्राइज पर सरप्राइज ही मिल रहे हैं क्योंकि हॉक ऑफ फ्लाइट से जुड़ने का मतलब है किसी लेजेंड से जुड़ना जिस दोनों ही एग्री होते हैं मील को ये एक अनोखी खोज लगती है जिसके जरिए वो मिलिट्री और किसी को भी कहीं भी, भी भेज सकते हैं जो सोनिया कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा बस हॉक और वो खुद ही हैं जो बिना गुमे इसका उपयोग कर सकते हैं हो सकता है कि वो समंदर या धरती के अंदर चले जाएं जहां से निकलना उनके लिए भी नामुमकिन हो हॉक कहता है कि अगर वो यहाँ और दूसरी तरफ एंशियंट रोन को खड़ा कर दे तो भविष्य में इसे मिलिट्री मूवमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें सोनिया पर सबसे ज्यादा डिपेंड होना होगा जिस पर सोनिया कहती है कि वो हॉक के कहने पर दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकती है और अभी के लिए ये उनकी जीत का दिन है वही फाल्कोनिया के राजमहल में एक बड़ी मीटिंग रखी जाती है जहाँ मिड नाइट सभी को जानकारी देते हैं की फाल्कोनिया के वेस्ट रीजन में जेंट्स का आतंक खत्म कर दिया गया है वही दूसरे मिनिस्टर्स चाहते है की नॉर्थ रीजन के माइंड को भी रिक्लेम कर लिया जाए और, तो और अभी तक के ईस्ट रीजन के जेंट्स को बड़े खतरे से भी निपट लिया गया है नए किंगडम के वॉयर्स के जरिए जिन्हें लीड हॉक ने किया है और हॉक का नाम सुनते ही कैरलेट ग्रिफिथ के लिए तालियां बजा आती है। सभी खुश हैं की फाइनली नेशन अपनी जमीन को हासिल कर रहा है और ये जीत इस नेशन के लिए बहुत जरूरी है नेशन का कॉन्फिडेंस खड़ा करने के लिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है हॉक को लगता है की अपनी खोई जमीन हासिल करना और मानव सभ्यता का प्रगति एक दूसरे से जुड़ी हुई है जिस पर सभी एग्री होते हैं होम मिनिस्टर रॉस लॉर्ड ओविन को फाल्कोनिया की नई पॉलिसी बताने को कहते हैं लॉर्ड ओविन बताते हैं कि पहले के विंड सिटीजन को प्रॉपरली सेटल कर लिया गया है लेकिन जो रिफ्यूजीज बाहर से आए हैं उनके अंडरपेड होने की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है और तो और कई हेरिटेज रिलीजन के लोग भी अब होलीनेस द पॉइंटिव के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं अगर उन्हें रोका ना गया तो सिविल वॉर का खतरा हो सकता है जिस पर दूसरे मिनिस्टर्स भी एग्री होते हुए क्वेश्चन पर शक करने लगते हैं लेबान को लगता है कि किसी भी जगह पर जब अलग अलग रिलीजन के लोग इकट्ठा होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है लेकिन हॉक ने इसका पहले से ही रास्ता निकाल लिया था हॉक का स्प्रिट्स को पब्लिकली इकट्ठा कर उनके प्रियजनों से मिलवाने की वजह से रिलीजन के डिफरेंस महत्वहीन हो चुके हैं और तो इसी वजह से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है लेकिन तब भी सिक्योरिटी के कम होने का खतरा नहीं उठाया जा सकता जिसका, जिसका जिम्मेदारी एक बार फिर मिलिट्री को ही उठानी होगी जिस पर रॉस बाद में डिस्कस करने को कहकर छोड़ देते हैं और वो फाल्कोनिया में अनाथ बच्चों का मुद्दा उठाते हैं जिनके लिए ऑर्फनेज बनाने का प्रपोजल उन्हें मिला है ये प्रपोजल कैलेट ने दिया है जिस पर सभी मिनिस्टर इसका सम्मान भी कर रहे हैं ताकि अगली जनरेशन से नेशन की ग्रोथ को सपोर्ट मिले लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में बजट एलोकेट नहीं किया जा सकता क्यूँकी क्वेश्चन के हमले के बाद ऐसी इकोनॉमी क्रैप्स हो चुकी है जिससे देश अभी तक उभर नहीं पाया है कैडलेट को लगता है कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया जिसका जवाब किसी मिनिस्टर के पास नहीं है तभी हॉक कैडलेट का सपोर्ट करता है जिस पर सभी मिनिस्टर शॉक हो जाते हैं और बजट के लिए वो दौलत जो उन्होंने चैंट से रिकवर किया है उसे यूज करने को कहता है मिनिस्टर फ्री कहते हैं की अभी की प्रायोरिटी दूसरी है और बजट का निर्धारण दूसरी चीजों से निपटने के लिए होना चाहिए जिस पर ग्रिफिथ कहता है की निपटना काफी नहीं है इस तरह से हम तब भी मारे जाएंगे हमें जीने के लिए फलना फुलना होगा सिर्फ अनाथ ही नहीं बल्कि नेशन के सभी बच्चों को 10 साल की उम्र तक सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें एकता का पाठ और देश के प्रति कर्तव्य सिखाना होगा पढ़ना लिखना और एजुकेशन देना होगा इस बात का सपोर्ट कैरलेट भी करती है लेकिन मिनिस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है की ये कैसे काम करेगा आखिर लोगो का सपोर्ट भी तो उन्हें मिलना चाहिए पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को पढ़ने भेज देंगे जिस पर ग्रफित एक समय के खाना देने के लिए कहता है दूसरे मिनिस्टर्स को लगता है की कॉमन पीपल का पढ़ना खतरनाक हो सकता है और उनका क्लास सिस्टम बर्बाद हो जाएगा विद्रोह भी बढ़ सकता है ग्रफित का मानना है कि अगर ये बीमारी है तो बीमारी के गंभीर होने तक वेट करने के बजाय इसका जड़ से इलाज करना होगा अगर हम अगले पाँच या दस साल भी बच गए तब भी नोबल्स एरिस्टोक्रेट या मर्सनरी काफी नहीं होंगे हमें लोगो की जरूरत होगी हमारे लिए लड़ने के लिए मिलिट्री का खर्चा उठाने के लिए हमें फलना फूलना होगा सिटी को बढ़ाना होगा एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से करना होगा और इससे सबका भला होगा इसीलिए बच्चों का एजुकेशन जरूरी है फेडरिको को अब समझ में आता है कि लोगों को एकता से क्या हासिल किया जा सकता है लेकिन लेकिन अभी भी पैसों की ही दिक्कत है बैंक के पास कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है जिसका मतलब है की उन्हें धीरे धीरे टैक्सेस बढ़ाना होगा कुछ मिनिस्टर्स को लगता है की अगर उनका पुराना कॉपर और सिल्वर के माइन हासिल कर ले तो बात बन सकती है हॉक के पास एक प्रपोजल है जो कैपिटल की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है वो कहता है कि अगर रिफ्यूजीज को एक ही डिस्ट्रिक्ट में रखा गया तो हमेशा ही उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा अगर उन्हें यहाँ जगह चाहिए तो उन्हें यहाँ के लिए ड्यूटी प्रूव करनी होगी जो कि मिनिस्टर्स को दिलचस्प लगती है हॉक रिफ्यूजीज को आर्मी में लेने के लिए कहता है जिस पर लोकस भी एग्री होता है लोकस का मानना है कि साथ रहकर साथ लड़कर साथ खाना खाकर ही बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और ये अच्छा आइडिया हो सकता है आर्मी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर किया जा सकता है जो उन्हें बाद में बढ़ने का मौका भी देगी हॉक एड करता है की रिफ्यूजीज को नए हाईवे पर बेस बनाना और हाईवे की मरम्मत के लिए उपयोग किया जा सकता है हम नए सिटी बना सकते हैं जो इन्हीं सड़कों से जुड़ी होंगी हमें दीवार बनाना चाहिए जो सभी बाउंड्रीज को डिफेंस करेंगी जो इन्हीं शहरों और टाउन से भी जुड़ी होंगी और जब एमेज सी होगी इन्हीं टाउन से ट्रुप को भेजा जा सकता है जो समय और पैसा दोनों ही बचाएंगी रिफ्यूजीज के दस साल की मिलिट्री सर्विस के लिए सिटीजनशिप और उनकी किसी भी चुनिंदा जगह आरोप रेजिडेंस दिया जाएगा इन चीजों को देखते हुए क्या उनकी सर्विस नहीं ली जा सकती जिसके लिए मिनिस्टर सोच में पड़ जाते हैं हॉक जानता है की अभी के दौर में सभी छोटे टाउन या नेशन मॉस्टर के कब्जे में होंगे या उनसे लड़ रहे होंगे एक हम ही हैं जो फल फूल रहे हैं ये दुनिया अभी अनजान खतरों से गुजर रही है अगर हमने गलती की तो हम भी मारे जा सकते हैं इस तरह से हमारे पास पूरी दुनिया है जीतने के लिए हमें हर खतरे से निपटते हुए अपना राज्य बढ़ाना होगा और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे राज्यों पर भी कब्जा करना होगा इस जगह पर कभी एम्पायर गैसरिक ने भी राज किया था और ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो पूरे कॉन्टिनेंट में था और अब मैं देखता हूँ मनुष्यों के लिए एक ऐसी जगह जो सेकेंड एम्पायर बनेगा हॉकी प्रपोजल के साथ ही मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन मिनिस्टर्स अभी भी सोच में है सेकेंड एम्पायर का नाम सुनकर जिसके आगे वो खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं फेडरिको भी कुछ अरेंजमेंट के बारे में सोचता है ताकि वो एक्सपेंसेस से निपट सके वो कुछ बड़ी कंपनी तक भी जाने की सोच रहा है और शायद उसे होलीनेस द से भी मदद लेनी होगी बैंकर्स भी परेशान हैं कि दूसरे देशों को दिए गए लोन अब कभी रिपे नहीं होंगे लेकिन एक होम मिनिस्टर रॉसी ही है जो खुश है जो पहले इस तरह के प्लान को नकार देते थे लेकिन अब ऐसे दिख रहे हैं मानो उनकी आँखें खुल गई हो रॉस खुद भी कभी ऐसे ही थे ऐसे ही फैंटेसी कभी वो खुद भी सोचते थे अगर देश के लोगो को लीड करना है तब तो फैंटेसी की जरूरत पड़ती ही है हम सभी को एक इल्यूशन की जरूरत पड़ती है ताकि उस ऐसी हासिल कर सके वही सोनिया बाहर अपने हॉक के साथ खेल रही है की तभी वो ग्रिफिट को आते हुए देख लेती है वो उसके पास जाने को होती ही है की उसे म्यूल रोक लेता है क्यूँकी हॉक केललेट ऐसी मिल रहा है जिसे देख सोनिया फिजल भून जाती है कैरलेट खुश है कि की ग्रिफिट की वजह ऐसी उसका प्रपोजल अप्रूव हो गया जो हॉक को भी लगता है कि कंट्री के सपोर्ट के लिए ऐसा होना ही चाहिए कैरलेट का सपना था कि अपने साथ लाए अनाथ बच्चों के लिए वो कुछ करे जो ग्रिफिट को भी अच्छा लगता है और कैरलेट को भी लगता है कि ग्रिफिट अब इस किंगडम का फादर बनता जा रहा है या यूं कहें असली किंग सुनकर सोनिया अपने ही हॉक को पीटने लगती है कैलट के, के पूछने पर ग्रिफिथ कहता है कि उसका प्लान अभी के लिए रूम में आराम करने का है चूँकी लोकस की तरफ से कोई भी मिलिट्री प्लान नहीं है ग्रिफिथ अभी फ्री है सोनिया के फिर से इंटरवीन करने की कोशिश करने पर म्यूल उसे दोबारा रोक लेता है क्यूँकी उसने पहले ही ग्रिफिथ के साथ पूरा एक्सपीडिशन साथ बिताया था और सोनिया फिर गुस्सा हो जाती है वो पैर पटकते हुए वहाँ ऐसी चली जाती है म्यूल को हिदायत देते हुए की वो उसके पीछे न आए वही रात हो चुकी है और आज पूर्णमाशी की रात है जहाँ कैरट कमरे में सो रही है और वही साथ में ग्रिफिथ भी है जो खिड़की पर बैठा अपने बालों को देख रहा है ग्रिफिथ को अपने बालों में कुछ बाल काले लग रहे हैं जो किसी चीज के होने की वजह से है और वो खिड़की से गायब हो जाता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों हमने बसक मांगा चैप्टर थ्री से फाइव थ्री कवर किया है बसक मांगा के नेक्स्ट वीडियो में कास्का और गड्स की दोबारा मुलाकात होगी जिसमे कुछ और नई परतें खुलेंगी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय